हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ठंड बहुत बढ़ गई है दिल्ली में, काफ़ी गलन है, इसलिए क्या आज मफलर बांध पाया जा रहा है कानों में, माथे पर ठंड। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे किसकी, शिक्षा के विकास की बात की थी ब्रिटिश इरा में। आज जो बात करेंगे हम आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, समाचार पत्र और जो प्रेस का विकास हुआ, कैसे हुआ, भारत में कब कब हुआ, उसकी बात करेंगे, और किन लोगों ने पत्र पत्रिकाओं की स्थापना किस वर्ष की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समाचार पत्र के प्रेस का विकास। ओके, तो भारत में जो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया 1556 में, ठीक है, गोवा में लगाया गया। ओके, लेकिन इंडिया पहुंचते पहुंचते क्या है उसको करीब 50 वर्ष लग गए, क्योंकि 1505 तक क्या है प्रेस का विकास हो चुका था, मेनली जाहिर सी बात है यूरोप देशों में। ठीक है, तो यूरोप देशों में क्या है कि 1505 आते आते क्या प्रेस का विकास हो चुका था। इसी क्रम में जब ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज आते हैं भारत, तो क्या है सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया जाता है 1556 में। पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में स्थापित होता है कहां पर? गोवा। यस, गोवा। किसके द्वारा? पुर्तगीज द्वारा, यानी कि पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा। और 1557 में क्या है पहली पत्रिका छपती है वहां के पादरियों द्वारा। ठीक है, तो 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होता है। ये कौन सा काल है 1556 में? फेमस युद्ध हुआ था 1556 में, पानीपत का सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, तो 1556 में दो काम हो रहे हैं भारत को, क्या है नया मुगल सम्राट मिलता है और एक प्रेस प्रिंटिंग। ओके, नेक्स्ट जो ईआईसी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की, उसके द्वारा भी क्या है प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया जाता है 1684 में। कहां पर? जब क्या है बंबई उसको क्या है दहेज में प्राप्त हो जाता है, बात की थी हमने, तो बंबई में सबसे पहले क्या है 1784 में ब्रिटिश द्वारा क्या है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्रम में बात करें हम, तो भारत का जो पहला प्रथम समाचार पत्र था वह कौन सा था? बंगाल गजट। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1780 में। ठीक है, बंगाल गजट कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, एडवर्टाइजर, सॉरी, बंगाल गजट 1780, इसका दूसरा नाम भी क्या है द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ओके, 1780 में कहां पर? कलकत्ता में, मेनली अभी कलकत्ता के ही सब चलेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की पहले व्यक्ति हैं जो क्या है समाचार पत्र की स्थापना करते हैं 1780 में कलकत्ता में। ठीक है, यह क्या है प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र। ओके, प्रथम समाचार पत्र है। नेक्स्ट, हालांकि और भी बहुत सारे कलकत्ता जनरल और भी बहुत सारे समाचार पत्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें क्या प्रथम भारतीय द्वारा समाचार पत्र जो शुरू किया गया, सेम नाम बंगाल गजट सेकेंड से। ठीक है, बंगाल गजट सेकेंड से। ओके, कब? 1816 में। ठीक है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र है ये, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा कलकत्ता में शुरू किया था 1816 में। ये क्या है प्रथम, ये अंग्रेजी में है दोनों। ठीक है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र। और जेम्स अगस्त सिक्की वाले कौन से हैं? यूरोपीय सदस्य हैं सब। ठीक है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 1816 में
बंगाल गजट सेकंड के नाम से क्या है शुरू किया जाता है। ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम समाचार पत्र की, तो 1818 में समाचार दर्पण और दिग्दर्शिका, ठीक है, क्रमशः समाचार दर्पण की स्थापना जो की जाती है क्रासी मेन और मार्स मैन द्वारा, ठीक है। तो समाचार दर्पण क्रासी मैन और दिग्दर्शिका मार्स मैन द्वारा क्या है, ये दोनों समाचार पत्र की स्थापना 1818 में की जाती है। ओके बंगाली में है ये समाचार दर्पण और दिग्दर्शिका, किसमें, बंगाली लैंग्वेज में। ओके और ये क्या था, पहला प्रथम भारतीय समाचार पत्र, ये अंग्रेजी में था। ओके ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट चंद्रिका, 1822 में चंद्रिका, वेरी फेमस व्यक्ति राजा राम मोहन राय, सामाजिक तथा धार्मिक विचारों के विरोध हेतु इसके स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और भी तीन मैगजीन्स थी राजा राम मोहन राय की, जिसकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर सामाजिक धार्मिक आंदोलन में की थी राजा राम मोहन राय, लेटेस्ट टॉपिक्स में कौन कौन सी थी वो, अठारह सौ 21 में संवाद कौम विधि और 1822 में मिरातुल अखबार। और ब्रह्म समाज की स्थापना होने के बाद अगस्त 1828 के बाद ब्रह्मेनिकल मैगजीन किसमें थी, अंग्रेजी में, ठीक है। तो संवाद कौमुदी किस भाषा में थी, बंगाली में, और मिरात उल अखबार नाम ही है मिरात उल, तो किस भाषा में थी, फारसी में, ठीक है, इसलिए इसको वहां नोट नहीं किया गया क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। यह हो गई चंद्रिका, 1822 राजा राम मोहन राय उनके सामाजिक और धार्मिक विचारों को का विरोध करने हेतु स्थापित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हिंदू पैट्रियाट फर्स्ट और हिंदू पैट्रियाट सेकेंड, 1853 में ही दो व्यक्तियों द्वारा स्थापित की जाती है समाचार पत्रिका, ठीक है। ओके राजा राम मोहन राय से फैक्ट क्या है, और भी फैक्ट याद रख ले, जैसे राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है इनको, राष्ट्रीय, बहुत सारी उपाधियां हमने देखी थी, राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हिंदू पैट्रियाट फर्स्ट 1853 में किसके द्वारा स्थापित की गई, उस व्यक्ति को जिसको क्या है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, कौन है भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार, राम मोहन राय, नहीं उनका तो हो गया राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक, पत्रकारिता के अग्रदूत, प्रजागरण के अग्रदूत, ठीक है, कृष्णोदास पाल, ठीक है याद रखेंगे, कृष्णोदास पाल, कृष्णोदास पाल। तो ये क्या है, भारतीय पत्रकारिता के प्रिंस है, यानी राजकुमार है, राजकुमार की संज्ञा इनको क्या है दी गई है, ठीक है, भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार। ओके सेकेंड जो है हिंदू पैट्रियार्क सेकेंड 1853 में शुरू किया जाता है किसके द्वारा, फेमस नाम तो इससे रिलेटेड किसका आता है हिंदू पैट्रियार्क से, हरिश्चंद्र मुखर्जी का, लेकिन जो शुरुआत की जाती है वो गिरीश चंद्र घोष द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे गिरीश चंद्र घोष, ओके, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इससे जुड़ते हैं, इसलिए क्या है मेनली हरिश्चंद्र मुखर्जी का नाम आता है, लेकिन शुरुआत जो है 1853 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा ही की जाती है, ठीक है। बाद में इसके संपादक बनते हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी और सारा कार्यभार वही संभालते हैं बाद में, इसलिए हरिश्चंद्र मुखर्जी क्या है हिंदू पैट्रियॉट का नाम आता है, लेकिन दोनों नाम क्या है इस जुड़े हुए हैं हिंदू पैट्रियॉट से रिलेटेड। ओके नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश किसके द्वारा शुरू किया जाता है
1867 में ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, एक एक्ट लाया जाता है लिट्टन द्वारा 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी के लिए लाया जाता है, इसी को ध्यान में रख कर लाया जाता है सोम प्रकाश को। क्यों? क्योंकि उस समय ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा क्या है जो नील की खेती विषय था, ठीक है, जो दुर्दशा थी बंगाल में नील की खेती किसानों की, उसको क्या है मेनली इसमें उठाया जा रहा था, ठीक है। तो याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, अभी हम बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की उसमें, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा क्या है 1859 में सोम प्रकाश कर पत्रिका शुरू की जाती है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के लिए लाया जाता है ध्यान में रखकर, इसको भी ध्यान में रखेंगे किसके लिए लाया गया था, सोम प्रकाश, ठीक है। इंदु प्रकाश 1862, इंदु प्रकाश 1862 ये कहां पर है, बंबई में, कहां पर है, बॉम्बे में, तो जाहिर सी बात है कोई बंबई का व्यक्ति होगा, नहीं एमजी रानाडे, ओके, बंबई जस्टिस एमजी रानाडे थे ना, रानाडे, ठीक है, इंदु प्रकाश एमजी रानाडे, मराठी में, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में मराठी, ओके। बंगाली फेमस नेम है, सब लोग जानते हैं बंगाली पत्रिका, नाम बंगाली है लेकिन थी किसमें, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, कौन है इसके, एस एम बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तो बंगाली एस एम बनर्जी द्वारा अंग्रेजी में शुरू की जाती है कलकत्ता में, ठीक है, ओके। और एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है, पहले व्यक्ति जो क्या है पत्रकारिता के लिए क्या है इनको सजा मिली थी, ये भी फैक्ट याद करेंगे, क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब, ओके। और पत्रकारिता के लिए दो बार जेल भेजे जाने वाले व्यक्ति कौन है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, 1908 में जाते हैं मांडले जेल, वहीं पर क्या गीता रहस्य पुस्तक लिखते हैं, याद रखेंगे मांडले जेल कहाँ है, अंडमान निकोबार में। तो दो बार पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले व्यक्ति कौन है, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन फर्स्ट टाइम किसको मिलता है पत्रकारिता के लिए सजा, एस एन बनर्जी को, ठीक है, बंगाली। बात करेंगे किसके नेक्स्ट, पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका 1868, ओके, अमृत बाजार पत्रिका 1868 बंगाली भाषा में कलकत्ता से दो लोग मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, कौन कौन है अमृत बाजार पत्रिका के, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है, थी तो बंगाली में शुरुआत में, लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है देसी भाषा से छपे हुए सभी पत्रकारों को क्या बैन लगा जाती है, ठीक है, जिला दंड नायक को अधिकार दिया जाता है कि वो जब्त कर सकता है, ओके। तो ये क्या है रातों रात अंग्रेजी में तब्दील हो जाती है अमृत बाजार पत्रिका, याद रखेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर के तहत क्या है रातों रात अंग्रेजी में कौन पत्रिका परिवर्तित हो गई, अगले दिन सुबह से अंग्रेजी में पत्र आने लगे, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष 1868। नेक्स्ट पत्रिका जो है मराठा व केसरी, मराठा व केसरी किसकी फेमस पत्रिकाएं हैं, पत्र समाचार पत्र पत्रिकाएं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीजी तिलक, याद रखेंगे ये मराठा नाम है लेकिन यह किसमें है, इंग्लिश में, ओके, मराठा इंग्लिश में और केसरी किसमें, मराठी में, मराठी भाषा में निकलती थी, ठीक है, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी भाषा में।
अब बात करेंगे हम उदंड मारतंड, उदंड मारतंड 1826, हालांकि यह ऊपर नीचे लिखे होंगे, यह निकलती है यूपी के लिए, स्पेस इंपॉर्टेंट है, यूपी से है, कहां से निकलती थी, कानपुर। और उदंड मारतंड कानपुर याद रखेंगे, जुगल किशोर द्वारा, और खास बात यह है उदंड मारतंड की कि भारत में प्रथम समाचार पत्र है जो क्या है, हिंदी में छपा था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, ओके, उदंड मारतंड 1826, जुगल किशोर कानपुर, हिंदी का समाचार, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, प्रथम प्रथम याद रखें सब सारे सबकी उपाधियां। इंडियन मिरर 1861 किसके द्वारा आई थी, इंडियन मिरर मार्समैन नहीं है, देवेंद्र नाथ टैगोर और एक व्यक्ति उनके साथ और है। तो 1861 में इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर। नेक्स्ट बात करें सुलभ समाचार, सुलभ समाचार, सुलभ शौचालय नहीं समझ लेंगे, कौन, केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज से रिलेटेड ये दोनों व्यक्ति, कौन कौन है ये, केशव चंद्र सेन, ठीक है। इंडिपेंडेंट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फादर, ठीक है, फादर मोतीलाल नेहरू द्वारा, इसे भी याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि इलाहाबाद से निकलती थी, कहां से, अभी क्या है प्रयागराज, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, 1919 में इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स आज भी आती है, हिंदुस्तान टाइम्स 1923, टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी आता है आज, स्टेट्समैन भी आता है, हिंदुस्तान टाइम्स 1923, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, क्या है जिन्होंने क्या है द्वैत शासन को क्या कहा था बंगाल में, डाकुओं का शासन, पढ़ा था हमने, के.एम. पनिक्कर, ठीक है, के.एम. कन्हैयालाल मणिकलाल पनिक्कर, पूरा नाम इनका। तो हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत किसने की थी, के.एम. पनिक्कर साहब ने, ओके। टाइम्स ऑफ इंडिया 1862 अभी भी आती है, काफी फेमस इंग्लिश, ये सब इंग्लिश में है, लैंग्वेज में 1862 टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन है टाइम्स ऑफ इंडिया के, आई थिंक इसको लीव करते हैं, मुझे भी नहीं याद आ रहा टाइम्स ऑफ इंडिया के कौन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आप इसके, इंग्लिश मैन, पायनियर और स्टेट्समैन, ये तीन पत्रिकाएं जो थी इंग्लिश में, अंग्रेजी में तीनों आती थी, ठीक है, और तीनों पत्रिकाएं किसके द्वारा निकाली गई, रॉबर्ट नाइट, कौन, क्या नाम है इनका, रॉबर्ट नाइट, ओके। इसमें जो पायनियर है, पायनियर, ठीक है, ये यूपी के इलाहाबाद से निकाला गया था, ओके, तो पायनियर इलाहाबाद से, ओके, और इंग्लिशमैन कलकत्ता से, ठीक है, इंग्लिशमैन कलकत्ता से, पायनियर इलाहाबाद से, रॉबर्ट नाइट, रॉबर्ट नाइट द्वारा एक और पत्रिका निकाली गई थी, क्या नाम था उसका, मद्रास मेल, ठीक है, मद्रास
मेल याद रखेंगे। मद्रास मेल की खास बात क्या है कि यूरोपीय जो वाणिज्य था, जो भूस्वामी थे यहाँ के और जो महाजनक थे, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व करते था कौन? मद्रास मेल, यूरोपीय वाणिज्य का, भूमि स्वामियों का और महाजनों का, ठीक है। और पायनियर क्या था? सरकार का समर्थक था, ठीक है। पायनियर जो था, पायनियर पत्रिका या समाज, जो सरकार थी उसके समर्थन में क्या है छापता था, जैसे आज भी है, ठीक है। ये हो गया रॉबर्ट नाइट का। टाइम्स ऑफ इंडिया का देख लेंगे, 1862 में निकली थी टाइम्स ऑफ इंडिया। वेंगी डाड व इंडिपेंडेंट इंडिया, ये दो पत्रिकाएं किसके द्वारा निकाली गई? मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति क्या है, जिन्होंने सबसे पहले क्या है भारत में शुरुआत की थी, किसकी? अखिल भारतीय मजदूर सेवा संघ, एमएम रॉय, ठीक है, एमएम रॉय, रॉय नहीं राय, ठीक है, बेंगीदार एवं इंडिपेंडेंस इंडिया, ओके। ये हो गए कुछ हमारे, और कुछ इधर हैं। प्रताप, प्रताप क्या है? प्रताप भी पत्रिका कब निकाली गई? 1910 में, किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी, ओके, कानपुर से निकलती थी ये भी, इसको भी याद रखेंगे, यूपी स्पेशल में कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार भी दिया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, 1910 कानपुर से, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? फेमस नाम स्वतंत्रता संग्राम के समय, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 1914 में, किसके द्वारा निकाली गई? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है, एनी बेसेंट। और नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया 1919 में निकाला गया था, डेट याद है गांधी जी द्वारा, ठीक है। शुरू की दोनों पत्रिकाएं 1919 में है, और हरिजन कब निकाला गया? 1935 में, और हरिजन पुणे से निकलती थी, ठीक है, हरिजन पुणे से निकलती थी। नवजीवन और यंग इंडिया 1919, हरिजन 1935 पुणे से, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी। नवजीवन अहमदाबाद से आती थी, नवजीवन कहां से निकालते थे? वो अहमदाबाद से, ठीक है, गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में थी, ओके। और यंग इंडिया जाहिर सी बात है इंग्लिश में थी, 1919 में इंग्लिश लैंग्वेज में। तो नवजीवन गुजराती हिंदी, ये इंग्लिश, और हरिजन गुजराती हिंदी दोनों में थी, ठीक है, हरिजन सॉरी हिंदी में थी, गुजराती और अंग्रेजी में थी, ठीक है, हरिजन गुजराती और हिंदी में लैंग्वेज में। गांधी द्वारा एक और पत्रिका निकाली गई थी, लेकिन वो यहां नहीं थी, कहां पर थी? साउथ अफ्रीका में 1903 में, कौन सी? इंडियन ओपिनियन। तो पूछा गया क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी द्वारा कहां निकाली गई? तीन नाम दिए हो यू इंडिया के और एक साउथ अफ्रीका का, तो आंसर क्या होगा हमारा? साउथ अफ्रीका। स्वराज पत्रिका भी निकाली गई थी 1909 में, आई थिंक 1909 में, ये भी कहाँ थी? साउथ अफ्रीका में, ओके। ये दो पत्रिकाएं विदेश में थी महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? अल हिलाल और अल विलाग, मौलाना, ये दोनों पत्रिकाएं कहां से थी? कलकत्ता से, कलकत्ता हब है पत्रिकाओं का। मौलाना अबुल कलाम आजाद,
आई थिंक ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट कॉमरेड हमदर्द 1919 में, डॉन 1933 में। डॉन आदमी डॉन ही निकालेगा, कौन थे डॉन? भारत के लिए खलनायक जिन्होंने दो पार्ट में बांट दिया भारत को अपने जिद में, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और डॉन आज क्या है, पाकिस्तान की सबसे बड़ा पत्रिका है डॉन, अभी इसमें पाकिस्तान में चलती है, ठीक है। तो कॉमरेड हमदर्द 1919 में, डॉन 1933 में, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। ओके, लीडर, लीडर, लीडर निकाला गया कांग्रेस के जो उदारवादी नीतियां थी उसका प्रचार करने के लिए, किसके द्वारा? ट्रिपल एम, महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है। महामना मदन मोहन मालवीय भी क्या थे, उदारवादी ही थे। तो कांग्रेस की जो उदारवादी नीतियां थी उसको क्या प्रचार करने के लिए लीडर का पत्रिका निकाली गई, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हिंदुस्तान 1936 में निकली, ये भी किसके द्वारा? मालवीय जी और ट्रिपल एम और प्लस मालवीय जी और प्रताप नारायण मिश्र, इन दोनों लोगों द्वारा क्या है, प्रताप नारायण मिश्र, ऐसे ही लिखा है, सॉरी वर्तनी शुद्धि, वर्तनी अशुद्धि है, मिश्र ऐसे होगा, ठीक है। जाति का नाम, वो देश का नाम हो जाएगा मिश्र, उस तो लिखेंगे तो इजिप्ट, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, ठीक है, इसकी हमने बात की ब्रिटिश काल में विकास की, ठीक है। आज पत्रिका भी आती थी पहले, समाचार पत्र आज अभी आता है नहीं पता नहीं, इलाहाबाद से छपता था, शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त, ओके, आज पत्रिका शिव प्रसाद गुप्त द्वारा। ओके, ये सारे हो गए। और बात करें हम न्यूज एजेंसी की, बात करते हैं प्रथम प्रेस एजेंसी कौन सी थी, ठीक है, क्वेश्चन शायद आए हुए हैं। प्रथम प्रेस एजेंसी, प्रथम प्रेस एजेंसी थी रायटर, रायटर नाम है इसका, याद रखेंगे, रायटर कलकत्ता से 1860 में, ठीक है, स्थापित कहां हुई, कलकत्ता में। प्रथम प्रेस एजेंसी रायटर 1860 कलकत्ता में। ओके, अब बात करेंगे प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस पर प्रतिबंध कब कब लगे, ये क्वेश्चन नीचे से आए हुए हैं, एक्ट मिलाने के लिए आया था यूपीपीसीएस में, आई थिंक यूपीसीएस 20 या 21 में आया क्वेश्चन, या 19 में, इसको देख लेंगे, एक्ट मिलाने के लिए आए थे। तो प्रेस पर जो सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया वह व्यक्ति था कौन, यहां लिखा 1799 में कौन हुआ गवर्नर जनरल, वेलेजली। तो वेलेजली द्वारा सबसे पहले प्रतिबंध लगाया जाता है प्रेस पर, सेंसरशिप ऑफ प्रेस क्लब एक्ट के थ्रू, ठीक है, वेलेजली। सहायक संधि भी किसके द्वारा की जाती है, वेलेजली द्वारा ही, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला जो प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति है वेलेजली है, सेंसरशिप ऑफ प्रेस क्लब एक्ट के थ्रू। ओके, दूसरा जो प्रतिबंध लगाया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा वर्ष 1813 में, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रतिबंध 1813 में। ओके, नेक्स्ट जो एक्ट आता है 1823 में, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823, कौन है 1823 में गवर्नर जनरल, गवर्नर कौन है भारत का, एडम, जॉन एडम, ठीक है,
याद रखेंगे सारे एक्ट, हो सकता है उसके नाम ने सामने गवर्नर और गवर्नर जनरल के नाम आ जाए मिलाने के लिए, जॉन एडम मिलने। इसका जो उद्देश्य था किसके लिए लाया गया था, जो 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पत्रिका शुरुआत की गई थी, मिरात उल अखबार, ये निशाना था इसका। ठीक है, याद रखेंगे मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की, उस पर निशाना लगाने के लिए यानी साधने के लिए यानी उसको बंद करने की लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 जॉन एडम द्वारा लाया गया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय 1821 में क्या थी, संवाद कौमुदी। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, प्रेस की स्वतंत्रता रही 1828 से लेके 33 तक। ठीक है, 1823 से लेके 33 तक, और यह स्वतंत्रता किसने दी, हालांकि उसने यह एक्ट क्या है हटाए नहीं रद्द नहीं किए, लेकिन प्रेस को स्वतंत्रता दी थी 1823 तक। कौन है भारत गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, जिसको क्या है भारत का पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है, बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग, ठीक है, समाचार पत्रों के समर्थन में थे। ठीक है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता 1823 इनके समय रहती है। नेक्स्ट 1835-36 में चार्ल्स मेडकॉफ गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। ओके, इनके बारे में क्या, इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता। ओके, जो 1823 में एक्ट बना था उसको रद्द किया जाता है किसके द्वारा, चार्ल्स मेटकाफ द्वारा, यानी 1823 का एक्ट रद्द कर दिया जाता है, इसीलिए इनको क्या है मुक्ति दे दी गई समाचार पत्रों को एक्ट से, इसीलिए क्या कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। याद रखेंगे इसको भी, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन, चार्ल्स मेटकाफ 1835-36। ठीक है, नेक्स्ट फेमस प्रेस एक्ट, हालांकि 1857 में भी रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे, याद रखेंगे क्रमवाइज अगर आता है तो। ठीक है, 1857 में भी एक्ट लाया गया था प्रेस से रिलेटेड, प्रतिबंध से रिलेटेड। ठीक है, फेमस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 9 के तहत क्या है, वर्नाकुलर मतलब जो देसी भाषा के में छपने वाले एक्ट हैं, सॉरी समाचार पत्र हैं, उनके लिए था क्या कि अगर उसमें कोई सरकार विरोधी चीजें छपती हैं, अगेंस्ट कुछ भी छपता है तो उसे जब्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल ने किसको दिया, जो जिला का दंड नायक होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला दंड नायक को दे दिया गया। ओके, यह कब लाया गया था, 1878 में गवर्नर जनरल लिप्टन, गवर्नर जनरल लिप्टन। ठीक है, क्यों लाया गया, इसका मुख्य निशाना क्या था, हमने बात की अभी इधर कहा गया सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, मुख्य निशाना थी सोम प्रकाश, उसको बंद करने के लिए। हालांकि एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू किसे क्या है बंद किया गया, मतलब किस समाचार पत्र को, कौन, इसके थ्रू कई है, जैसे भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर। सहचर वाला क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन में क्या था, सहचर था, तो बाकी और भी हम नाम याद रख लेंगे। सहचर तो क्वेश्चन आया हुआ है, सहचर, भारत प्रकाश, भारत प्रकाश है, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश है ना भारत, ठीक है, भारत मिहिर ढाका प्रकाश है ये,
भारत मिहिर, ठीक है, और ये है ढाका प्रकाश, ठीक है। ये सारे समाचार पत्र क्या है, वर्णात्मक प्रेस एक्ट के थ्रू क्या है, बंद हुए। और हमने बात की अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट समाचार पत्र जो आया अधिनियम 1908 में, 1908 में नियंत्रण समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए कौन था गवर्नर जनरल मिंटो के समय, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय आया। फिर इंडियन प्रेस एक्ट 1910, इसमें कौन गवर्नर जनरल है 1910 में, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, हार्डिंग फर्स्ट तो 13 था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 लाया गया, ठीक है। इस एक्ट को कहते हैं कि लिप्टन के जो वर्णात्मक प्रेस एक्ट था उसका क्या था, पुनर्जीवन था, ठीक है। जो लिप्टन का एक्ट था, लिप्टन के एक्ट का पुनर्जीवन, कैसे लिखेंगे पुनर्जीवन, र यहां आएगा क्योंकि यहां पुनर, ठीक है, पुनर्जीवन था, यानी कि वर्णात्मक प्रेस एक्ट का क्या था, यह पुनर्जीवन कर दिया गया, पुनर्जीवित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट कब लाया गया, 1931 में, ये सारे सूची बनाने के लिए आई हुई है, ठीक है। इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 में आया, और इस समय कौन थे गवर्नर जनरल, इरविंग गांधी, इरविंग समझौता प्रणयन 5 मार्च 1931, ठीक है, 23 मार्च 1931, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का क्या शहीद, शहीदी दिवस, ठीक है। तो कौन था, इरविंग, इरविंग के समय आया, ठीक है, इरविंग के समय। और क्या किया गया, जो 1910 का प्रेस एक्ट था, ठीक है, 1910-16 कहां गया भाई, ये रहा, इसको पुनः लागू किया गया। क्यों पुनः लागू किया गया, इसका मतलब पहले रद्द हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो दो एक्ट हैं, इन दो एक्टों को रद्द किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी भारतीय व्यक्त के अध्यक्षता में, क्या नाम था उनका, 1921 में तेज बहादुर सप्रू कमेटी, याद रखेंगे 1921 तेज बहादुर सप्रू कमेटी, इसी कमेटी की सिफारिश पर क्या है, ये दोनों एक्ट समाचार पत्र अधिनियम 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 क्या रद्द कर दिए गए थे, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और इस समय कौन था गवर्नर जनरल, रद्द किया यानी कि वो समाचार पत्रों का क्या है समर्थक है, यानी कौन था, रीडिंग, 1921 में रीडिंग था, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, चौरी चौरा कांड हुआ, इसमें कौन था, रीडिंग था, तेज बहादुर सप्रू कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 के क्या एक्ट रद्द किए गए थे। लेकिन 1931 में क्या है, इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 के तहत इसे पुनः लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इतने सारे बातें हमने की समाचार पत्र विकास से रिलेटेड लेकर, प्रतिबंध से रिलेटेड लेकर, प्रथम एजेंसी राइटर, ओके, कुछ इसके समर्थन में कौन कौन गवर्नर जनरल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, रीडिंग, बैंटिंग, रिपन, रिपन भी रहा, जो वर्णात्मक प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था 1882 में, रिपन ने, ठीक है। मैटकॉफ, मैकाले, मैकाले भी क्या है समर्थन में था, लेकिन विरोध में कौन कौन से है इनके अलावा जो बच गए, विलेजली, मिंटो, एडम, लिट्टन, कैनिंग, मुनरो, एलिफिस्टन और लॉर्ड हेस्टिंग, जो 1910 की बात की हमने, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने आज की क्लास में कर ली, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे दूसरा टॉपिक, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।